हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक स्टाइलिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं स्टाइलिंग वीडियो ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने एक सिंपल सी ब्लैक कलर की जो फ्रंट स्लिट एक ड्रेस थी मेरे पास में, बहुत पहले ड्रेस मैंने ली थी सरोजनी नगर से, उस ड्रेस को मैंने स्टाइल किया है 3 वेज पे। आई होप सो ये स्टाइल्स आप लोग को पसंद आएंगे। तो चलते हैं, मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं, सिंपल सी बेसिक किसी पूरी सॉलिड ब्लैक कलर की ड्रेस है, और ये बिल्कुल भी ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी, और लूज भी बहुत ज्यादा थी ये ड्रेस। तो सबसे पहले मैंने इसे स्टाइल करने के लिए इसके साथ पेयर की एक बेल्ट अपनी, एक जो ब्रॉड बेल्ट होती है, बेल्ट पेयर की मैंने, और ये बेल्ट मैंने सरोजनी नगर से परचेज की थी, और ये बेल्ट बहुत अच्छी लगती है। इस टाइप की एक बेल्ट आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए अपने पास में, आप इसे बहुत मल्टी वेज में यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट लगाने के बाद ही मतलब ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसके साथ पहने व्हाइट कलर के स्नीकर, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने व्हाइट कलर के स्नीकर पहन रखे थे। इयररिंग्स के लिए मैंने लिए हैं ये वाले हूप्स पहने हुए हैं, जो कि मैंने ज्वेल गैलेक्सी से मंगाए थे, अजियो से मैं भी मंगाए थे मैंने ये वाले इयररिंग्स। आप ऑफिस वगैरह में भी कैरी करके जा सकते हैं। और मैंने वॉच पहनी है अपने हाथ में गोल्डन कलर की, क्योंकि इयररिंग्स एंड वॉच का कॉम्बिनेशन मुझे रखना था, तो मैंने ये वॉच पहनी अपनी, ये वॉच मंत्रा से मैंने मंगाई थी, इसको ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर दिया है मैंने आप लोग के साथ में। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप को बहुत मैंने सिंपल रखने की कोशिश की, मैंने एक न्यूट कलर की लिपस्टिक लगाई वेट एंड वाइट की, और मेकअप भी मैंने बहुत सॉफ्ट और ग्लोई सा मेकअप करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा मेकअप नहीं किया है, और मैंने काजल और लाइनर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया तीनों ही लुक्स में। इस लुक को पूरा चार चांद लगाने के लिए मैंने ये हैंडबैग लिया, जो मेरे फुटवेयर से एकदम मैचिंग कर रहा था। ये बैग मैंने लिया था सरोजनी नगर से, और ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मूव ऑन करते हैं लुक नंबर टू पे। लुक नंबर टू की बात करें, इस लुक को मैंने, इस ड्रेस को एज ए टॉप एज ए शर्ट मैंने इसको यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्कर्ट पहना हुआ है, बेल्ट को मैंने सेम रखा है, जो बेल्ट मैंने पहले पहनी थी वही बेल्ट मैंने अभी भी लगा रखी, और कोई नहीं कह सकता कि मैंने एक ड्रेस को पहना है एज ए टॉप। तो आप देख सकते हैं मैंने टॉप पहना है, तो ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने नेक पीस के लिए जगह मैंने पहना है किस टाइप का सिल्वर नेक पीस, और कि मैंने जैसे कोई ब्रॉच लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इयररिंग्स के लिए मैंने ये झुमके पहने हैं, बहुत ही सुंदर वाले झुमके हैं, बड़े बड़े से। ये झुमके मैंने लाजपत नगर से लिए थे, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। हैंड में पहना है मैंने एक हैंड कप, जो कि मैंने लाजपत नगर से लिया था सिल्वर। मैंने पूरा ओवरऑल सिल्वर ज्वेलरी का लुक रखने की कोशिश की है इसमें। मैंने ये सिल्वर रिंग भी पहनी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और इस पूरे लुक को इनहेंस करने के लिए मैंने लिया है ये सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा बैग, जो आप देख सकते हैं। ये बैग मैंने ऑनलाइन मंगाया था जनपथ मार्केट से, आप लोग भी मंगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर वाला बैग है। इस लुक को पूरा बहुत सुंदर बना रहा है ये वाला बैग जो है। और मैंने फुटवेयर में पेयर की अपनी ये सुंदर सी कोल्हापुरी चप्पल, जो कि मैंने राजस्थान से खरीदी थी, बहुत सुंदर लग रही है इस लुक के साथ पे। मुझे ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइप का लुक आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तब भी आप पहन के जा सकते हैं, एज ए वेडिंग गेस्ट आ तो बहुत ही अच्छा लुक है, तो आप कैरी कर सकते हैं इस टाइप का लुक भी। तो लुक नंबर थ्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। लुक नंबर थ्री जो है वो है एक नाइट पार्टी से इंस्पायर, कि आप चाहे तो किसी नाइट पार्टी में इसे पहन के जा सकते हैं, या आप किसी मॉल वॉल में घूमने जा रहे हैं तभी आप इस टाइप का लुक कैरी कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगता है। तो इस वाले लुक में भी मैंने ड्रेस एज ए टॉप ही यूज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने एज ए शर्ट ही इसे पहना है, बट मैंने नीचे जो स्कर्ट पहनी थी वो स्कर्ट मैंने चेंज कर दी, यहाँ पे मैंने प्लीटेड स्कर्ट का यूज किया है, जो कि बहुत ही क्लासी लगती है स्कर्ट, और ये बहुत ही सुंदर प्रीमियम टाइप की स्कर्ट है, बहुत प्यारी स्कर्ट है ये। तो मैंने एक नियॉन कलर की स्कर्ट पहनी है, और नेक पीस के लिए मैंने ये लेयर्ड वाली चेन पहनी जो लॉक वाली आती है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, मेरी ज्वेल गैलेक्सी की थी, तो ये मैंने चेन पहनी हुई जो कि बहुत सुंदर लगती है इस लुक के साथ, बहुत अच्छी लग रही थी। इयररिंग्स की जगह मैंने ये हुप्स पहने, क्योंकि मैंने बन बनाया था तो हुप्स ज्यादा सुंदर लगते हैं। ब्लैक कलर का मैंने हैंडबैग लिया, ब्लैक कलर के फुटवियर पहने हैं, और वेस्ट लाइन में मैंने फिर से मैंने एक बेल्ट का यूज किया है, आप देख सकते हैं।
तो मैंने नियॉन ग्रीन कलर का कुछ भी और नहीं पहना, सिर्फ स्कर्ट पहनी है। ब्लैक को मैंने ज्यादा यूज किया है अपने इस आउटफिट में, तो ब्लैक कलर का टॉप, तो ओवरऑल लुक, ये लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन तीनों ही लुक में मैंने कोई भी लाइनर एंड काजल का यूज नहीं किया है, तो मुझे ये ओवरऑल लुक सिंपल एंड ग्लोई ग्लोई से जो लुक्स होते हैं ये टीनेजर गर्ल्स को भी बहुत पसंद आते हैं, उस टाइप के लुक क्रिएट किए हैं। तो गाइस आई होप सो आप लोगों को ये तीनों लुक्स पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे और वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं इस टाइप के वीडियोस के लिए, मैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो गाइस फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।